क्रिकेट की बातें तो हम दिन रात करते हैं, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने धूम मचा दी। दोनों ने अपने अपने पहले मेडल सिक्योर किए। अगर बात करें, मैं बात कर रहा हूँ जेवलिन थ्रो की, जिसके अंदर अरशद नदीम और इंडिया की तरफ से नीरज चोपड़ा फाइनल के अंदर थे, और काफी सारे दूसरी कंट्रीज के भी लोग फाइनल के अंदर थे। लेकिन होता क्या है कि पहली पोजीशन इंडिया के नाम जाती है और दूसरी पोजीशन पाकिस्तान के नाम आती है। इंडिया को पहला गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर नीरज चोपड़ा ने जितवा के दिया, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का पहला मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर अरशद नदीम ने पाकिस्तान को दिलवाया, और दोनों के दोनों सुपरस्टार हैं। ये वाहिद इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा कंपटीशन है कि कभी दुख नहीं होता कि इंडिया जीत जाए या पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि इन दोनों इतने अच्छे लोग हैं, ये दोनों इतने अच्छे बंदे हैं, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा। इन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि देख के खुशी होती है इन दोनों को, कि हर किसी को ऐसे होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि दोनों के दोनों ने यूरोपियन कंट्री को हरा के पोजीशन एशिया को ऊपर लेकर आए। पहली पोजीशन इंडिया के नाम की, दूसरी पोजीशन अरशद नदीम के नाम की। और मजे की चीज यह है कि अगर आप देखें तो अरशद नदीम के पास कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करते होते। हाँ, जब वो बेचारा मेडल जीत कर आता तब सारे के सारे आ जाते मैदान के अंदर, ये कर दो वो कर दो, इनाम वगैरह देंगे। लेकिन ट्रेनिंग असल चीज होती है, ट्रेनिंग उसकी जिसको कहते हैं ना, उसमें उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए, वरना वो एथलीट हमारा पाकिस्तान का बहुत अच्छा है और उसने प्रूव किया है। आपको याद होगा ओलंपिक्स के अंदर जब इस पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था, नीरज चोपड़ा मैदान के अंदर आया था और इसने इसको सपोर्ट किया था। उसके बाद से अगर आप देखें तो दोनों में बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई है कि आप हर कंपटीशन के अंदर दोनों के दोनों की धूम मच रही होती है। नीरज चोपड़ा की जहां तक मैं बात करूं तो 25 साल का लड़का है और उसने इतने मेडल जीत लिए कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता। गोल्ड उसने जीता हुआ है साउथ एशियन गेम के अंदर, गोल्ड उसने जीता हुआ है एशियन चैंपियनशिप के अंदर, गोल्ड उसने जीता हुआ है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, गोल्ड उसने जीता हुआ है एशियन गेम्स के अंदर दोबारा से, गोल्ड उसने जीता हुआ है ओलंपिक्स के अंदर, और गोल्ड उसने जीता हुआ है डायमंड लीग के अंदर, और इसी के साथ साथ गोल्ड उसने जीता हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर। तो मतलब इससे हम हवा लगा लें कितने गोल्ड मेडल अभी तक नीरज चोपड़ा जीत चुका है। अरशद नदीम भी कोई पीछे नहीं है, अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर मेडल जीता था, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीत लिया है, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और मजे की चीज ये है कि दोनों के दोनों अच्छे हैं, दोनों के दोनों में तालुकात अच्छे हैं, दोनों के दोनों के अंदर जिसको कहते हैं ना मिलना जुलना बड़ा अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, रात को लेट हुआ था इनका फाइनल मैच, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था वीडियो, लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूं कि ये दोनों जिसको कहते हैं ना बड़ा आगे जाके नाम रोशन करेंगे, और जो पेरिस के अंदर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं वहां पे भी इन दोनों ने धूम मचा दी, तो मजा बड़ा आएगा इन दोनों को देखने का। मुबारकबाद दो अरशद नदीम को, मुबारकबाद दो नीरज चोपड़ा को, और मैं चाहूंगा पाकिस्तान को चाहिए कि अरशद नदीम को फैसिलिटीज दें ओलंपिक से पहले, उसको फैसिलिटीज दें, वो आपको गोल्ड मेडल जितवा के दे सकता है। क्योंकि अगर थ्रो की बात करें तो नीरज चोपड़ा फर्स्ट पे आए हैं 88.17 की थ्रो के साथ, अरशद नदीम ने 87.82 की थ्रो फेंकी है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कुछ ही, उसको कहते हैं ना पॉइंट के बाद वाली फिगर का फासला है, और अरशद नदीम की बेस्ट थ्रो जो है वो 90 प्लस की है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें वो फेंक सकता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो दोनों के एथलीट जो है ना, दोनों में दम तो है, दोनों के दोनों फाइट करते होते हैं, और नीरज चोपड़ा का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टाइल है कि वो थ्रो फेंकते साथ ही सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं पीछे मुड़ के, क्योंकि उनको यकीन होता है कि मेरी थ्रो जाएगी, और होना भी चाहिए, फिटनेस उसकी बड़ी जबरदस्त है। अरशद नदीम को मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान फैसिलिटीज दे ओलंपिक से पहले, ताकि वो जिसको कहते हैं ना और अच्छी सर्विस करके पाकिस्तान को और अच्छा मेडल जितवा के दे। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो यूएस मास्टर लीग का कल फाइनल हो गया, नॉर्दर्न वॉरियर न्यूयॉर्क वॉरियर वर्सेस था टेक्सास चार्जर का मैच था, जिसके अंदर शाहिद खान अफरीदी, मिसबाह उल हक, सुहेल खान थे एक तरफ, जिसको कहते हैं मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर वगैरह थे, और बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइनल हुआ। शाहिद अफरीदी की टीम ने 92 के ऊपर 10 ओवर के अंदर स्कोर किया। इसी के साथ साथ मोहम्मद हफीज की टीम ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया, 46 बॉलों पे 17 रन किए मोहम्मद हफीज ने। जैसे ही वो आउट होते हैं एकदम से लाइन लगती है और 92 के ऊपर ऑल आउट हो जाते हैं, एक बॉल के ऊपर एक चाहिए होता है। सुहेल खान ने बड़ा अच्छा जिसको कहते हैं ना स्पेल करता है, 5 विकेट लेके जाते हैं 15 रन पे, लेकिन आखिरी ओवर शाहिद खान अफरीदी कर रहे होते हैं और एक बॉल के ऊपर एक चाहिए होता है, और क्या होता है वो आउट हो जाता है, सुपर ओवर में मैच जाता है। टेक्सास चार्जर सुपर ओवर के अंदर 16 रन का टारगेट देती है न्यूयॉर्क वॉरियर को, न्यूयॉर्क वॉरियर 4 रन से इस मैच को हार जाती है। तो टेक्सास चार्जर ने US स्ट्रीट एंड मास्टर की जिसको कहते हैं ट्रॉफी अपने नाम कर लिया।